तो यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बेलन, बेलन के लिए चलने, ठीक है। बेलन का बक्कर पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा अपना ये, और बेलन का आयतन हो जाएगा ये, ठीक है। और ये सब कुछ ये तुम्हारी, ये देखिए बक्कर पृष्ठ, ये तो बाहर की चीज, और ये त्रिज्या यहाँ से ये होती है, और आयतन ये होता है, ठीक है, ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है। और देखिये नेक्स्ट चलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन तो हो गया तुम्हारा, शंकु पर चलते हैं। तो देखिये लंबवृत्तीय शंकु, यानी कि लंबवृत्तीय शंकु, तो तुम्हारा ये शंकु हो जाएगा, शंकु का बक्कर पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा पाई आर एल प्लस के आर, ठीक है। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये त्रिक ऊंचाई हो जाएगी, ये सब कुछ इसका सिस्टम चित्र भी ये है, ठीक है। देखिए चलते हैं तुम्हारे गोले पे, तो देखिए गोला, गोले का देखिए आयतन क्या था, 4/3 पाई आर घात 3, ठीक है। अर्धगोले का बक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 था, यहाँ पर अर्ध के लिए आधा लगा दिया, ठीक है इसने। और यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा ये 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का बक्कर पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गोले कोष का ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाहर त्रिज्या, यहाँ पर भीतर त्रिज्या ये है, ठीक है। अब और देख लीजिए थोड़े से सिस्टम, तो देखिए जैसे तुम्हारा ये करा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाएगा, घन का आयतन ये हो जाएगा, घन का विकर्ण ये, और जी तुम्हारा ये हो जाएगा घन के कमरे के चारों ओर क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा अब चलते हैं, ये तुम्हारा किसका था, ये था आपके लिए घनाकार, तो ये किसका हो जाएगा तुम्हारा, घनाभ का, ठीक है। घनाभ का घन के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए करा घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा घन का आयतन, ये हो जाएगा घन के सब कुछ सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। बेलन के बारे में हम आपको बताई चुके हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे, जैसे कि आज मैं आपके सामने सैंपल पर खड़ा हूँ। आज आप देख रहे हैं क्लास 10 में, तो सभी खंड के नहीं उतरो, सभी ऑल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वीडियो नंबर 1 में, यानी भाग नंबर 1 में 13.3 की जो वीडियो हमारी बनी हुई है, हालांकि मैंने उसमें भाग नहीं डाला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक उसमें करें, जबकि हालांकि उसके थंबनेल पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक दर्शाए गए हैं, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन उस वीडियो में अपने अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहां से लेकर यानी कि क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे हमें कमेंट करते हैं, जैसे देखिए ये तुम्हारा चैप्टर तो चल रहा था, बाकी तुम्हारे ये गौरी वर्मा है, और तुम्हारे ये तुषार भाई हैं, और आपके ये हो गए कमल सिंह, और तुम्हारे ये हो जाएंगे निजाम, और जी तुम्हारा विमल, कई सारे जो स्टूडेंट थे कमेंट पर पढ़ा रहे, हम इन बच्चों को कमेंट पर ही पढ़ाया था हमने, जैसे कि चैप्टर नंबर अपना 11 रह चुका है, ठीक है। तो हम क्रम से यानी कि ये चित्र प्रकाशन जो तुम्हारा ये चित्र प्रकाशन पूरा हो चुका है, ठीक है। और बाकी इसमें 1-2-3 चैप्टर हैं, उन्हें हम करा ही रहे थे, यानी कि चैप्टर नंबर 11 पर हम चलने वाले थे, तभी हमें कमेंट इन बच्चों ने लिखा, जो मैंने आपको नाम बताया, ठीक है। ये कम से कम 5-6 बच्चे थे, इन्होंने कमेंट हमें लिखा सर चैप्टर नंबर 13 पढ़ाए, ठीक है। तो मैंने 13 चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रहा था, तो अचानक ये बच्चे का कमेंट पुनः आया कि सर जो हमारे स्टूडेंट हो जाएंगे, अजय नहीं, ये हो जाएंगे संजय सिंह, संजय कुमार, तो उन्होंने कमेंट लिखा सर 13.3 का एक्सरसाइज बनाइए, 13.3 एक्सरसाइज का वीडियो बनाइए, ठीक है। तो हमने उन्हीं के कहने पर ये वीडियो बनाया, ठीक है। जबकि हम 13.2 पर चल रहे थे उस समय, हमारे वीडियो हमारे जो क्वेश्चन थे 13.3 यानी 13.2 के जो क्वेश्चन थे वो समापन हो चुके थे, 13.3 पर चलने वाले थे, अचानक हमें कमेंट आया, ठीक है। तो उन बच्चों को हम बताने चाहेंगे कि बच्चों कमेंट, हम आपके जो कमेंट पर वीडियो बनाते रहते हैं, आप हमारे जो कमेंट हम आपको रिप्लाई करते हैं, आप हमें कमेंट करते हैं, हम आपको रिप्लाई करते हैं, उन कमेंटों को पढ़िए, पढ़ने के बाद में हमसे बात कीजिए कि सर इसमें ये बात, ये ऐसा नहीं, ऐसा ये, जो आपको समझ में नहीं आया तो हमसे कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में हमें लिख सकते हैं, और हमसे आपको पूरा कमेंट करने का जो ये साझेदारी है, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने आपका भी एक जिम्मेदारी बन जाती है, और जैसे कि मैंने बताया बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि अपना नाम पता जरूर अवश्य बताएं, ठीक है। पता भी हमें बताएं कि बच्चा मैं वहां से हूं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मुरादाबाद से तो मुरादाबाद लिख सकते हैं, अमरोहा से अमरोहा लिख सकते हैं, और जो तुम्हारा ये बाराबंकी से बाराबंकी लिख सकते हैं, सीतापुर से सीतापुर लिख सकते हैं, इलाहाबाद से, इस प्रकार से आप बच्चे हमें लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में अपना पता भी बताएं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि किसी सवाल में हमसे आयतन ना आयतन के बारे में, ना बक्कर पृष्ठ के, ना संपूर्ण पृष्ठ के, ठीक है, इन सब किसी का भी जिक्र न हो, तो उस समय पर हम क्या लगाएंगे, आयतन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने आज ये आपको बताई है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। यदि किसी का भी जिक्र ना करे, जैसे कोई मेरे को लगा किसी गोले को पिघलाकर या किसी 3 गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, इस प्रकार की कोई बात करे, तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, आयतन का ही जब पिघलाने वाली जिक्र आए वो, तो उसमें हमें आयतन का ही फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना, आयतन का फॉर्मूला हमें लगाना होता है, ठीक है।
तो आप समझ रहे होंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हमें जैसे जो क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, देखिए एक एक चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जो हमें इस समय तकनीकी हमारी थोड़ा ऐसे ही है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो को लंबी हो जाती है और हम थोड़ा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और एक एक चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए बिल्कुल एक एक चीज अच्छी तरीके से न समझाए तो यदि आपका जो मन है मन खुश हो जाए तो चैनल को प्लीज अवश्य सब्सक्राइब कर दें और दूसरे को भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। कमेंट में हमें यह पता चलता है कि कोई हमसे त्रुटि हुई है या किसी प्रकार का हमने कुछ कहा है तो उसमें हमें पता चलता रहता है, हम सुधार करते रहते हैं उस चीज का, ठीक है। और तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए जैसे मैंने आपको बताया जब किसी चीज का भी जिक्र न करते उस समय हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा और ये विकास प्रकाशन का पहला जाएगा, विकास प्रकाशन का नहीं, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, ठीक है, कितने 4.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिया है कि गोले की जो त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या आर बराबर कितने देखे 4.2, गोले की त्रिज्या 4.2 को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता, तो मैं लिख दूंगा हमें बेलन की त्रिज्या आर बराबर, देखिए इसकी त्रिज्या मैं बड़ी मान लेता हूँ जिसे हमें पिघलाया या छोटा वाला मान लूंगा, ठीक है, इसमें कितने दे रखा है ना 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हो गया हम सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक गोले की ऊंचाई पूछ रहा था हमसे, गोले की ऊंचाई यानी कि एच बराबर हमसे पूछ रहा है क्या है भाई ये, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए पिघलाया मैंने आपको बताया था, यदि पिघलाने की जिक्र करें तो हम उस समय पर आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, किस चीज का आयतन का फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। तो गोले का जिक्र कर रहा है और एक किसकी बात कर रहा है, एक तुम्हारा गोले की जिक्र कर रहा है, एक बेलन की जिक्र कर रहा है। देखिए गोले का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, गोले का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, गोले का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा आयतन का 4/3 और पाई आर की घात 3, यहाँ पर बड़ा वाला लगाएंगे आर, क्योंकि हमने बड़ा वाला आर पिघलाने वाली चीज को बड़ा लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। देखिए कोई जरूर नहीं है बड़ा ही ले लेंगे, ठीक है, अपनी इच्छा से कुछ भी थोड़ा अंतर ले लीजिए, चाहे छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए। अब यहाँ पर ये इतना हो गया, अब देखिए इसका जो आयतन होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, गोले बेलन का। अब ये हो गया अपना, अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर देखिएगा पाई से तो तुम्हारा यहीं पर पाई चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर गुणा आर, आर जो है ये वाला तुम्हारा, इसकी आर कितनी है 4.2, मैंने लिखते 4.2 गुणा 4.2 इतना हो गया। तो यहाँ से देखिएगा फिर देखिए पाई से पाई गया और यहाँ पर आर ये गोलन ये तो गोला हो गया, ये बेलन हो लंबे से बेलन हो गया, तो बेलन की त्रिज्या अपनी 6, तो यहाँ पर देखिएगा 6 गुणा 6 गुणा h अपना हमें निकालना है, ठीक है, देखिए मान धरती मैंने, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिएगा ऐसे क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा मैं इससे 3 से मैं काटूंगा इसे, तो यहाँ से कितनी बार कट गया ये देखिएगा, 3 से मैं काटा इसे तो 3 से कट जाएगा, 3 करना 3 और पॉइंट लगा या यहाँ पर देखो पॉइंट तो शुरू में 3 ही करना 3 तो पॉइंट तो तुम्हारा यहीं आएगा, 3 चौका 12, ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें मैंने क्या करा, देखिए 4 गुणा 1.4 और गुणा यहाँ पर देखिएगा मैं इसमें, तो यहाँ पर 4.2 गुणा 4.2 बराबर, देखिए ये गुणा में तुम्हारा भाग में आएगा यानी कि यहाँ पर जाएगा 6 गुणा 6 बराबर तुम्हारा एच, ठीक है। देखिए जो बचा मैंने सब कुछ ऐसे छाप दिया, बाकी नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे मैं काटूंगा, इससे भी मैं काटूंगा 6 7 तो पौंड के 7 बार कट गया, इसे काटो तो पौंड के 7 बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 14 चौका 56, ठीक, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे जाएगा, एक के बाद 2 के बाद हो जाएगा और बराबर एच, ठीक। अब देखिएगा ऐसे मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने इन दोनों के आपस में गुणा कर ली, ठीक है। अब देखिए मैं पॉइंट उड़ाऊंगा, यहाँ पर 0 बढ़ाऊंगा, या ऐसा कर लीजिए डायरेक्ट आप इसकी गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने 6 से काटा 6 सत्ते वाली पॉइंट के साथ साथ आ जाएगा और यहाँ पर मैंने क्या करा 14 चौका 56 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने इतना हो गया सब कुछ, अब पॉइंट 2 के बाद में 1 और 1 2 के बाद में जाएगा इतना हो गया। अब इन दोनों की गुणा करके देखिए क्या था, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस चीज़ की गुणा कर लिया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 के बाद यानी कि 2.7 4 4, ठीक है, एच बराबर अपना ये आ चुका, एच बराबर अपना आ चुका है ये, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करा हमने, मैंने इधर बेलन का लगा दिया, इधर मैंने किसका लगा दिया गोले का, इधर लगा दिया मैंने बेलन का, देखिए चाहे इस चीज को आप इधर लगा दीजिए, इस चीज को उधर लगा लीजिए, जब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से कैलकुलेट कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। तुक्का क्या है इसमें, तुक्का मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तुक्का इसमें ये है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज आपको जरूर याद रखना चाहिए, दोनों को इक्वल रख देते हैं, यानी कि बराबर रख देते हैं, ठीक है। जो चीज रखी है उसको मैं सब कुछ मान लिया, मैंने बेलन की त्रिज्या लिखी तो मैंने बेलन की त्रिज्या लगा दी, क्योंकि बेलन का आयतन ये था, और गोले का जो आयतन अपना ये वाला हो जाए तो गोले की त्रिज्या मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलन प्रेस कर लें, तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यू करा क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, छठा विकास प्रकाशन का, जैसे हमने बताया दूसरा, ठीक है। तो देखिए 3 गोले दे रखे हैं त्रिज्या, तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर R1 बराबर कितना देखिएगा 6, R2 बराबर 8 और R3 बराबर तुम्हारा दे रखा भाई ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में तीनों दे रखे हैं ये, ठीक है। R बराबर 6, R2 बराबर 8 और R3 बराबर ये, ठीक है। 3 ठोस बनाए गए हैं तो पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि R यहाँ पर लिख दूंगा मैं इस प्रकार से, R4 भी लिख सकता हूँ बराबर क्या, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, पिघलाकर के मैंने बात बताई थी आपको, तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबको मैं आयतन बराबर रख दूंगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V4, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिखूंगा V1 यानी कि 4/3 पाई R की घात 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 4/3 पाई R की घात कितना 3 प्लस 4/3 पाई R की घात 3 बराबर 4/3 पाई R की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 है, ये दूसरा हो जाएगा, ये 2 के लिए दूसरा, ये तीसरा और यहाँ पर चौथा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबको नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 4/3 पाई मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ पर R2 1 प्लस R2 2 प्लस R2 3 बराबर कितना 4/3 पाई R की घात कितना यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से जो तुम्हारा सामान था वो मैंने बाहर ले लिया, देखिए बहुत ही आसान विधि से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर 4 पाई से तुम्हारा 4 पाई चला जाएगा, R2 1 का यानी कि R2 1 नहीं है घात 3 है, स्क्वायर नहीं है घन, यहाँ पर 3 घात कितनी 3। R का मान देखिए यहाँ पर 6^3 प्लस यहाँ पर कितनी 8^3 प्लस यहाँ पर 10^3 कितनी 3 बराबर कितना, यहाँ पर हमें ये चीज निकालना है, हम कितना R की घात 3^4 ये हमें निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका मैं वर्ग करूँ 6×36 = 216, यानी कि 216 इसका वर्ग हो जाएगा, 8×64 = 512 इसका वर्ग हो जाएगा, और इसका हो जाएगा तुम्हारा वर्ग घन ये हो जाएगा, ठीक है, वर्ग नहीं घन, ठीक है। और यहाँ पर R की घात 3^4 है, ठीक है ना। तो इस चीजों को मैं सबको जोड़ लूंगा, देखिएगा 1000 और यहाँ पर तुम्हारा 512 और तुम्हारा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 216, यहाँ पर देखिएगा 8 और यहाँ पर इतना जाएगा 2 और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ये 7 यहाँ पर जाएगा 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 17/28 बराबर R की घात 3/4, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिखूंगा यहाँ पर देखिए 12×12×12 बराबर R की घात 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर 12 कितनी जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर देख लीजिए 3 जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ किसी एक 12 को पकड़ लूंगा, किसी एक को 12 को पकड़ लूंगा, घात ऊपर से कितनी 3 और बराबर यहाँ पर R की घात 3/4, ठीक है। तो ये इस 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ पर R बराबर कितना आ चुका अपना 4 आ चुका, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, R की पावर 12 आ चुका, ठीक है, R बराबर कितना 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक भी अवश्य करें मित्रों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, तो तीसरे क्वेश्चन ये कर रहा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआ खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर × 4 मीटर वाला एक चबूतरा बना जाता है, इस चबूतरे की ऊंचाई याद कीजिए, देखिए क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कुआ है, कुआ जो होता है आपने देखा ही होगा, कुआ मान लीजिए आपका कुआ यह हो गया तुम्हारा, इस कुआ ये तुम्हारा कोई कुआ हो गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस कुएं को, तो जो तो कुआ तुम्हारा होता है एक सिलेंडर के आकार का होता है, किसके सिलेंडर के आकार का होता है, ठीक है। तो तुम्हारा जब कुआ किसके आकार का होता है, सिलेंडर के आकार का, तो यहाँ पे क्या करा है, तो उसकी चबूतरे की ऊंचाई याद करवा रहा, तो देखिए यहाँ पे एक चबूतरा है, चबूतरा तुम्हारा क्या देखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट ही कुछ कर देता हूँ, इसमें 20 मीटर व्यास 7 सेंटीमीटर वाला गहरा 20 सेंटीमीटर तक खोदा जाता है, तो कुएं को खोदने निकाली गई मिट्टी को फैलाकर 20×14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो देखिए हम देखे मैं लिखूंगा कुएं का आयतन, क्या कुएं का आयतन यहाँ पे का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन का आयतन, ठीक है। तो
कुआ का, कुआ किसके आकार का होता है? सिलेंडर यानी बेलन के आकार का होता है। तो यहाँ पे दिया जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरा जो होता है तुम्हारा एक सर्किल के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सर्किल के आकार का होता है। तो यहाँ पे समान रूप से फैलाई गई मिट्टी का आयतन, तो यहाँ से इसका जो हो जाएगा तुम्हारा आयतन यहाँ पे तुम्हारा 22 और गुणा यहाँ पे कितना रखा हो फैला कर देखिए, जो मिट्टी तुम्हारे समान रूप से फैला कर मिट्टी वाली जो चबूतरे की मिट्टी है ठीक है। तो यहाँ पे 22 गुणा कितना 14 है, 22 गुणा 14 ठीक है, 22 गुणा 14 ही हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ से देखिएगा इस पाई का मान हम रख देते हैं तुम्हारा 22/7 और गुणा आर का जो मान दे रखा है इसमें व्यास, आर का जो मान दे रखा है हम देखिएगा डी बराबर हमने रखा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी बराबर हमने रखा 2R, तो यहाँ पर 2R यानी कि आर के स्थान में मैंने 7 रख दिया से कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2R 7/2 हो जाएगा आर बराबर ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूंगा 7/2 गुणा यहाँ पर 7/2 और गुणा ये तुम्हारा एच है। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसमें ऊंचाई और दे रखी है इसने कुएं की गहराई, गहराई या ऊंचाई एक ही बात है इसमें, तो 20 हो जाएगा इसका तुम्हारा ये ठीक है। और बराबर तुम्हारा 22 और गुणा कितना 14 और यहाँ पर गुणा तुम्हारा हो जाएगा एच और गुणा यहाँ पर तुम्हारा एच, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर देखिए मैं बड़ा एच मान लूंगा, उधर मैंने ले लिया तो इधर मैं बड़ा एच मान लूंगा ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये कुएं की गहराई है तुम्हारा कुआ बन जाएगा, मैंने अभी बताया आपको। मान लीजिए कोई कुआ तुम्हारा ये है, इसकी गहराई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक गहराई कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये गहराई जो होती है उसकी ऊंचाई होती है ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने दोनों कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन ठीक है, तो चबूतरे का आयतन तो तुम्हारा ये रखा 20 गुणा 4 गुणा 8 इसमें ऐसे मान लिया, और इसके तुम्हारा आयतन होता है किसके आकार का, कुएं का आकार का यानी कि बेलन का आकार, तो मैंने बेलन लगा दिया ठीक है, बेलन का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ से देखिएगा मैं तुम्हारा 22 से तुम्हारा 22 चला जाएगा ठीक है, इस 7 से तुम्हारा 1/7 चला गया ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा इस 7 से तुम्हारा ये कितनी बार गया, 2 बार गया, कितनी बार में 2 बार ठीक है। इससे कितनी बार गया तुम्हारा 10 बार ठीक है। अब ये कितनी बार गया इससे 5 बार ठीक है, कितनी बार में 5 बार में। तो यहाँ तुम्हारा क्या बचा वर्ष तुम्हारा 5 और नीचे से कितना बच रहा तुम्हारा 2 बराबर कितना एच, ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। ठीक है ना, इस चीज को हम 2.5 भी ले सकते हैं, 2 पॉइंट के 5 आप इससे भाग दोगे तो यह जाएगा ठीक है, या का इसे भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से, तो मैंने किस तरीके से कर देगी नेक्स्ट प्रश्न से पहले मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर तुम्हारा कुआ है कोई, इसका जो ब्यास दे रखा है इसमें कोई कुआ होगा, मान लीजिए तो तुम्हारा कुआ ये होता है, कुआ तो आप सभी जानते हैं जो पानी भरने वाले जो वेल होते हैं वेल्स, तो इसकी ऊंचाई जो दे रखी है इसने देखिए ब्यास दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ब्यास दे रखा है इसने डी यानी कि ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, डी बराबर 7 सेंटीमीटर होता है ठीक है। यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है डी बराबर 2R, तो मैंने डी के स्थान पर डी का मान दे दिया यानी कि तुम्हारा डी बराबर 2R है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने डी के स्थान पर 7 रख दिया और ये दोबारा 2 गुणा में भाग में यानी कि इसका आर्गमन हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसकी ऊंचाई और दे रखी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है उसने 20 सेंटीमीटर और दे रखी है, सेंटीमीटर नहीं मीटर में ठीक है। तो ऊंचाई या इसकी गहराई, ऊंचाई या गहराई भी हम कह सकते हैं कुएं की, जब कुआ तो इसकी गहराई हो जाएगी या ऊंचाई हो जाएगी एक बात है। तो ऊंचाई गहराई मान लीजिए कोई सफेदा तुम्हारा खड़ा है तो सफेदा को ऊंचाई में भी खड़ा है और तुम्हारा उसकी गहराई, गहराई बोल सकते हैं ठीक है, क्योंकि ऊपर है यदि तुम्हारा जो सफेदा होता है सफेदा को किसी लिप्टिस जो होती है लिप्टिस को किसी गड्ढे के अंदर बढ़ा दे तो उसकी ऊंचाई नहीं गहराई भी हो जाएगी ठीक है। इसी प्रकार से मैंने दोनों का कुएं का आयतन लगा दिया और यहाँ चबूतरे का आयतन लगा दिया। चबूतरे का ये चीज तो तुम्हारा दे रखी है, ये चीज तो तुम्हारा दे रखी है और यहाँ पर तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे ये एच मैंने माना है अपनी तरफ से ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा इसका आयतन लगा दे, कुएं किसका आकार का होता है बेलन के, तो मैंने बेलन के यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। तो अब समझ में आ गया होगा, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 4 और चित्र प्रकाशन का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, और ये कह रहा है विकास प्रकाशन का वो तुम्हारा जाएगा 4 ठीक है। तो ये कह रहा है व्यास 3 मीटर और का कुआ 14 मीटर गहराई, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है इन्हें, तो यहाँ पर डी बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन है ये तुम्हारा विकास प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। तो यहाँ पर डी बराबर दे रखा, तो मैं आर बराबर यहाँ से निकाल लूंगा 1.5 निकाल लूंगा यहाँ से, डी बाई 2 लगाएगा, डी बराबर 2R लगा करके ठीक है। तो आप निकाल लेना और यहाँ से फिर करा गहराई यानी कि एच बराबर स्पष्ट दे रखे 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ने केवल मीटर खोदा जाता है, इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार बनाने में समान रूप से फैलाकर एक प्रकार बांधा बनाया गया है, तो उसकी बनाई की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख सैम पहले की तरह ही है ठीक है, चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार, देखिए खूब ध्यान से पढ़िएगा, कुएं से मट्टी निकाली तो चारों ओर वृत्ताकार का एक वृत्ताकार तुम्हारा बनाएगा, इस प्रकार से बनाएगा ठीक है। इसकी कोई मिट्टी, ये तुम्हारा कुआ ही हो गया, तुम्हारा एक कुआ हो गया, कुएं के चारों ओर मिट्टी मैंने यहाँ पे फैला दिया ठीक है, मिट्टी को यहाँ पे फैला दिया इसके चारों ओर ठीक है। तो इसकी जो हमें क्या करना, देखिए तो यहां से हमने क्या करा बताइएगा, तो मिट्टी को हमने इस प्रकार से कुछ फैला दिया,
तो देखिए इसका मैं आयतन पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा बताइएगा, कुएं का आयतन, एक कुएं का आयतन यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे कुएं का आयतन, कुआ का आयतन, कुआ इसी प्रकार से लिखा जाता है ना कुआ, तो यहाँ पे कुएं का आयतन, आयतन बराबर। फिर इसके बाद में हमसे क्या करा है, एक वृत्ताकार बलय बनाने में निकालेगी मिट्टी, इसी प्रकार से कुछ बोल रहा है। तो हम निकाल देंगे वृत्ताकार बलय का आयतन, ठीक है, वृत्ताकार बलय का आयतन, तो यहां पर मैं लिख दूंगा वृत्ताकार बलय का आयतन, ठीक है। तो कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और वृत्ताकार यानी वृत्त का आयतन क्या होता है बताइएगा तुम्हारे यहां से, तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा यहां पर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा एच, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हमें करना है, क्योंकि तुम्हारा मैंने आपको बताया ये कुआ जाएगा और इसमें 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, तो इसकी तरह जहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पते हैं 1.5 सेंटीमीटर है, जब मैं इसमें यहाँ से लेकर मार मिट्टी फैला दी मैंने चार, ये वाली 4 सेंटीमीटर मोटाई तक मैंने इसकी मिट्टी फैला दी है अपनी, ये तुम्हारा कुआ हो जाएगा, तुम्हारा ये कुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आप देख रहे हैं दो गोला बन चुके हैं, गोला या आयतन दो बन चुके हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर बड़ाई लगा देंगे आर स्क्वायर, यहाँ भी एच, ठीक है, ये 2-2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बाहर वाले के लिए और ये दूसरे वाले के लिए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ करेंगे, देखिए समझ में आया सर, ये पहले वाले के लिए है किसकी त्रिज्या और ये त्रिज्या दूसरे वाले की हो जाएगी, चार जो तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा मैंने किस प्रकार से कुछ कर लूंगा, यहाँ से तो यहाँ पे पाई तो तुम्हारी बाहर आ रही है, यहाँ से मैंने पाई बाहर ले लिया और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा अपना H1H2 यही हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से ऊंचाई तो अपनी वही रहेगी, ठीक है, H1H2 यही रहेगी, तो यहाँ पर पाई H अपना वही रह जाएगा, यहाँ से मैंने पाई H मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर 1 और यहाँ पर माइनस के आर स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच तो चल ही रहा है, तो यहाँ से ये तुम्हारे ये हो जाएगा पाई, सिर्फ पाई गया तुम्हारा, ठीक। अब यहाँ से जब ये चीज़ इतनी बची तो यहाँ से देखिए मैं मान रख देता हूँ, यहाँ पर इसका जो आर जी त्रिज्या है इसकी 1.5 कितनी 2 और गुणा यहाँ पर एच, एच का जो मान अपना, देखिए इसका मान देखिए क्या दे रखा है इसने, मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर एच का मान अपना हो जाएगा कुएं की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आपको दिया नहीं है शायद इसने, हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एच की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एच बराबर हमने 14 दे रखा है, तो ये वाला एच हो जाएगा तुम्हारा 14 बराबर। अब यहाँ पर जब हमने ये करा तो यहाँ से जो इसकी ऊंचाई को हमने एच ही मानेंगे, ठीक है, तो एच इसमें तो हम दूसरे वाले कुएं की यानी वृत्ताकार कुएं की जो ऊंचाई एच ही मानेंगे और यहाँ से तुम्हारा इसका 1.5 और ऐसा ही तुम्हारा यहाँ पर कितना बताइएगा, यहाँ पर जाएगा जब मैं इस चीज़ को इसमें से देखिए क्या करेंगे हम, तो आर टू हो जो हो जाएगा अपना, देखिएगा जब मैंने यहाँ पे ये चित्र तुम्हारा बनाया था, पहली त्रिज्या 1.5 और दूसरी त्रिज्या 4, तो 1.5 में जब प्लस के में 4 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5.5 आ जाएगा तुम्हारा कितना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाहरी त्रिज्या को 5.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जाएगा इसका ये, ठीक। तो इसकी गुणा करूंगा तो 225 आ जाएगी, 2 के बाद में पॉइंट, फिर देखिए इतना हुआ, अब यहाँ से गुणा 14 तुम्हारा, ठीक, बराबर एच भी अपना हुआ सही है, क्योंकि हमें यहाँ से एच निकालना है इसलिए एच चल रहा है। अब यहाँ से देखिए ये गुणा में सगड़ा भाग में जाएगा, ठीक है, गुणा में तो इसके भाग में जाएगा, यानी कि 15-15 की जब मैं इसी गुणा करूँगा तो कितना बैठ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देखिएगा 15-15 की जब मैं गुणाऊंगा 225 आ जाएगा, हमने अभी करा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर माइनस के 15-15 की यानी 55-55 का जब मैं गुणा भाग करूँगा तो यहाँ पर 25 का 5, ये देखिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 5×25 25 5×5 25 25×50 50 2 52 5×5 25 25 5 25 30 यानी कि 30-50 ये आएगा तुम्हारा 30-25, ठीक है। इसका वर्ग देखिए किस प्रकार से करते हैं आपस में, यानी कि पहली संख्या का वर्ग कीजिए, पहली संख्या का वर्ग करेंगे 25×25 5×5 2, इन दोनों को आपस में गुणा करिए, 5×25 25 25×2 25×2 27 ठीक है, 5×25 50 50 5×25 इन दोनों का आपस में गुणा, फिर उसका दोगुना 5×25 25×2 50 50
50 और दोहन से लेके 52 का 2 हंस लेके 5 5 पंजे पर इसके फिर लास्ट वाले गुणन 5 पंजे 25 25 और 5 30 ठीक है यह जाएगा तुम्हारा और यहां पे यह हो गया तुम्हारा यहां पे बराबर चला तुम्हारा h बराबर गुणन चला तुम्हारा h ठीक अब यहां पर 2.25 और गुणा यहां पर तुम्हारा 14 और नीचे से तुम्हारा जब मैं घटा लूंगा ये पॉइंट कितने के बाद में जाएगा देखिएगा 2 के बाद में ठीक है अब जब मैं इसमें से तुम्हारा निकाल लूंगा इसमें से निकाल लूंगा 2 पॉइंट के दो पॉइंट के हो जाएगा अपने ये निकाल लेंगे हम इसमें से ये 2.25 दो पॉइंट देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा ला मैंने अब 2.25 इसमें से मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पर 0 0 यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 28 पूरा 28 बच जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर जाएगा पूरा 28 ठीक है ना ये बराबर तुम्हारा कितना एच फिर देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे तो इतना हुआ यहाँ से फिर देखिएगा मैं 14 से कितनी बार काटूंगा 2 बार तो देखिए 2.25 तो अपना सही है और गुणा इससे जब मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कट गया 14 दूनी यानी 2 बारी में काट चुका अपना कितनी बारी में 2 बारी में ठीक है अब बराबर कितना एच ठीक अब मैं इसे जब भाग दूंगा तो 2 ही करना 2 2 ही करना 2 पॉइंट देखिए 2 ही करना 2 और 2 दूनी ये इसका आंसर आ जाएगा एच बराबर ठीक है देखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना प्रश्न हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 18 देख रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर वाले और ऊंचाई कितनी 15 सेमी वाले एक लंबते बेलन के आकार के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा ढका हुआ है ठीक है आइसक्रीम से ढका हुआ है लंबते बेलन देखिए कोई लंबते तुम्हारा बेलन हो जाएगा मान लीजिए तुम्हारा बेलन ही होगा और आइसक्रीम के आकार का यानी कि तुम्हारा आइसक्रीम किसके आकार होगी तुम्हारे आइसक्रीम हो जाएगी ये तुम्हारा बेलन हो जाएगा आपका और ये फिर आइसक्रीम होती है तो आपकी ये आइसक्रीम जो होता है आपका तो ये एक किसके आकार का हो जाएगा बताइएगा आइसक्रीम जो एक उसके तरह हो जाएगा तुम्हारा किसके तरह बताइएगा आइसक्रीम की तरह हो जाएगा आपका ये भाग बेलन के आकार का ठीक है आइसक्रीम से भरा हुआ तो ये इसका ये हो जाएगा आपका आइसक्रीम के आकार का ठीक है आइसक्रीम तो थोड़ा सा ये आइसक्रीम इस प्रकार से कुछ होता तुम्हारा शंकु के आकार का होता है ये इस प्रकार का ठीक है यहाँ से देखिएगा ये अर्धगोले का आकार नहीं ये हाँ अर्धगोले का आकार होता है शंकु का नहीं अर्धगोले का जैसे कि हमने पहला भी बनाया था इस प्रकार से ठीक है तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा अर्धगोले का आकार का ठीक है तो यहाँ से फिर हमने ये करा ये क्या कह रहा है लंबते बेलन के आकार का आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है और आइसक्रीम की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर तथा व्यास इतने सेंटीमीटर शंकुओं में भरा जाना है बड़ा शंकुओं में भरा जाना है तो जिनकी जिनका उपरिसरा अर्धगोला और शंकु आकार की संख्या ज्ञात कीजिए और जो एक आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं तो देखिए चित्र भी कोई बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है साफ साफ उसने दे रखा है ठीक है जैसे 12 सेंटीमीटर व्यास वाले और ऊंचाई की तरह दे रखा है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे के बेलन तो देखिएगा मैं साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ देखिए बेलन तो यहाँ पे देखिए बेलन की देखिए व्यास दे रखा है तो व्यास यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी बेलन की त्रिज्या ठीक है बेलन की त्रिज्या देखिए मैं डायरेक्ट ही कुछ कर देता हूँ देखिए इसमें डायरेक्ट में देखिए डायरेक्टली इसमें क्या करूंगा क्या लिखूंगा देखिए डायरेक्टली मैं तो यहाँ पे जब उस आइसक्रीम की बात कर रहा देखिए आइसक्रीम में तो तुम्हारा शंकु होता है और एक तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा एक अर्धगोला होता है आइसक्रीम में शंकु होता है तुम्हारा एक अर्धगोला होता है तो मैं लिख दूंगा यहाँ अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन ठीक है तो यहां पे इतना आया अब और देखिएगा यहां से तो यहां पे देखिएगा तो हमसे कह रहा है इतना इतना ही कह रहा है ये तो यहां से हमने क्या करा इसके बाद में तो यहाँ पर बराबर मैं ले दूंगा कुल आइसक्रीम का कुल आयतन का कुल आयतन ठीक है आइसक्रीम का कुल आयतन देखिएगा ठीक है मान लीजिए कोई तुम्हारी ये तुम्हारा आइसक्रीम हो जाएगा इसमें अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा ये अर्धगोला ऊपर हो जाएगा तुम्हारा ये आइसक्रीम हो जाएगी इसके ऊपर अब यहाँ से जब तुम्हारा ये आइसक्रीम ये हो जाएगी तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगी आपकी आइसक्रीम ठीक है ये आइसक्रीम हो जाएगी तो आइसक्रीम देखिए क्या क्या चीज़ बननी है तुम्हारा एक तो तुम्हारा बनना है ये अर्धगोला बन रहा है आप इस साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है ये तुम्हारा क्या बनना है अर्धगोला बन रहा है आपका
और एक तुम्हारा शंकु बन रहा है, ठीक है। तो मैंने अर्धगोला लगा दिया, एक तुम्हारा शंकु लगा दिया, यहाँ से फॉर्मूला आपका यह बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, और देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रखा है इसने, करा है इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे की जो ऊंचाई यहाँ से 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रखी है 12 सेंटीमीटर रखी है, पूरे की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्यास जो है इसका, इसका जो रखा ब्यास 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो ब्यास है 6 सेंटीमीटर दे रखा तुम्हारा, ये दे रखा है, और करा इतना सब कुछ दे रखा है। और इसके बाद हम फिर और क्या करेंगे बताइएगा, यहाँ से बताइए भाई, इसकी करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, इतना हो जाएगा अपना। आप देखिए यहाँ पर अर्धगोले का आयतन क्या होता है तुम्हारा, अर्धगोले का यानी 2/3 पाई आर की घात कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, 2/3 और यहाँ पर पाई आर की घात 3 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद में और हमसे क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, देखिए जो सम दिया उस चीज पे चलते हैं, आइसक्रीम का कुल आयतन। तो आइसक्रीम का जो कुल आयतन होता है अपना, आइसक्रीम का कुल आयतन देखिए, आइसक्रीम किसके आकार की है, तो यहाँ पे देखिएगा ये किसकी बात कर रहा था, लंबे थे बेलन के आकार के बारे में बात कर रहा था। तो आइसक्रीम का कुल आयतन यहाँ पे लिख दूंगा, बेलन का आयतन क्या था तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही तो बात कर रहा था मैं कि मैंने बेलन का आयतन क्यों लिखा, क्योंकि बेलन का आइटम ने उसमें दे रखा है, ब्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतने बारे एक बाले एक लंबे बेलन के आकार का एक आइसक्रीम का पूरा भरा हुआ तुम्हारा, ये जो तुम्हारा यहाँ पे, ये तुम्हारा मान लीजिए तुम्हारा बेलन है, इस बेलन में जो तुम्हारा, ये तुम्हारा बेलन है, इस बेलन में तुम्हारा इस प्रकार का आकार का तुम्हारा क्या भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। इसके अंदर तुम्हारा जो बना है आइटम, इसमें से काट के मैंने निकाल लिया कौन सा, ये वाला जो चीज तुम्हारी आइसक्रीम जो इस प्रकार का, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो यहाँ से मान रख देते हैं, देखिए देखिए मान के सबसे पहले मैं पाई बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से पाई मैंने बाहर ले लिया था 2/3 और यहाँ से कितना बच जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा किसके लिए चल रहा है अपना, ये अर्धगोले के लिए चल रहा है, अर्ध के लिए, अर्धगोले के लिए यहाँ पे अर्ध चल रहा है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 1/3 और यहाँ पर तुम्हारा पाई तो मैंने बाहर ले लिया, ये चल रहा आर, आर किसके लिए चल रहा है, ये तुम्हारा शंकु है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा शंकु स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है। और इसकी घात कितनी है, ये 3 है इसकी घात। और यहाँ पे एच, एच का जो मान यानी कि एच किसका तुम्हारा शंकु, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शंकु ब्रैकेट बंद, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर तुम्हारा चला बेलन, बेलन, ठीक है। तो ये तुम्हारा पाई से तुम्हारा यहाँ पर पाई चला जाएगा, देखिए 2/3 इंटू देखिए आर, ये तुम्हारा आर हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा आर की घात 3 है, तो ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, ये सॉरी शंकु नहीं, वो अर्धगोले की त्रिज्या। देखिए इसमें साफ साफ स्पष्ट आपको दे रखा, देखिए खूब ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ते हैं, इस आइसक्रीम को, आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और ब्यास 6 सेंटीमीटर वाले, जो तुम्हारी ये आइसक्रीम है इसका जो ब्यास है, आइसक्रीम 12 सेंटीमीटर ऊंची है आइसक्रीम हो जाएगी, और इसका जो ब्यास दे रखा है यानी कि ये जो तुम्हारा, ये तुम्हारा आइसक्रीम बन रही है, और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी ब्यास जो दे रखा है ना 6 सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं अर्धगोले की त्रिज्या, कितनी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा 3 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/3 गुणा ये तुम्हारा शंकु है, तो शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी, देखिए जो शंकु की त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या ये वाली बिल्कुल समान हो जाएगी, जब इसके नीचे मैंने कोई एक शंकु बना दिया तो इसकी त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या तो बिल्कुल समान हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है। और इसका एच शंकु की ऊंचाई है, ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, देखिए अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, देखिए शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो देखो हमने स्पष्ट दे रखा शंकु की ऊंचाई, इन्हें स्पष्ट दे रखा, देखिए आइसक्रीम ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई जो हो जाएगी इसकी, तो कितना हो जाएगी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा, कितना 12, ठीक है। जब ये अपना 12 हो जाएगा, मैं 12 लिख देता हूँ, देखिएगा यहाँ से ये अपना 12 बराबर, अब यहाँ पर तुम्हारा बेलन है तो बेलन की ऊंचाई, तो देखिए ये तुम्हारा कोई बेलन है तो बेलन के देखिए स्पष्ट सब कुछ स्पष्ट ही दे रखा है हमने, तो बेलन का जो स्टार्टिंग में कार्य दे रखा है ब्यास, यानी कि बेलन की जो ब्यास दे रखा 12 है, तो उसकी त्रिज्या 6 हो जाएगी और ऊंचाई 15 दे रखी है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने, त्रिज्या हमने दे रखी है, त्रिज्या जो ब्यास दे रखा तो इसकी 6 आ जाएगी, 6 × 6 और यहाँ पर ऊंचाई जो मान जाएगी इसकी, ऊंचाई अपनी दे रखी है इसने 15 है, कितना
15, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, फिर अब यहां से देखिए क्या करते हैं, तो उन संखों की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो देखिए जो ये जो चीज है तुम्हारी, यहाँ पे मैं ले दूंगा इसकी संख्या, मैंने क्या माना है यहाँ पे एक्स माना, यहाँ पे क्या माना है इस चीज को मैंने एक्स माना, ठीक है, एक्स माना है मैंने इस चीज को, यहाँ से मैंने एक्स मान रखा है तो तुम्हारा एक्स चल रहा है ये। अब यहाँ पे देखिएगा ये तीन से तो तुम्हारा तीन गया और इस चीज से तुम्हारा तीन गया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा बताइएगा, एक्स, अब ये सब कुछ इतना हुआ, अब यहां से देखिए ब्रैकेट बंद है, ये ब्रैकेट क्या तुम्हारा बंद है। अब यहां से देखिए दो, देखो दो दो तीन 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 नौ, नौ दूनी अठारह, कितना अठारह प्लस अठारह हो गया। अब यहां पर देखिए बारह तिया छत्तीस बराबर कितना, छह गुणा पंद्रह, ठीक। अब यहां पर देखिएगा इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, देखिए आठ छह चौदह का चार, और चार रे के जाएगा पांच, यानी कि चौवन हो जाएगा, और बराबर है कितना छह गुणा पंद्रह, ठीक है। तो ये तुम्हारा गुणा मतलब तुम भाग में पहुंचेगा, यानी एक्स बराबर तुम्हारा छह गुणा पंद्रह बटे कितना चौवन, ठीक है। छह नम तो कितनी बार कटेगा, नौ बारी में, कितनी बारी में कटेगा, छह से मैंने काटा नौ बारी में, ठीक है। अब मैंने छह नम चौवन, अब मैं जिसे तीन से काट देता हूँ तो तीन दूनी छह और तीन तीन नौ, तीन से मैंने काटा इसे पांच बारी में, ठीक है। तो कितना आ चुका देखिए, एक्स बराबर तुम्हारा दो गुणा पांच, यानी पांच दूनी एक्स का मान कितना देगा तुम्हारा दस सेंटीमीटर, इसका अंतर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये मैंने ये कैसे लिखा, ये देखिए आइसक्रीम का आयतन, ये शंकु का आयतन, एक ही बात है। देखिए हमने स्पष्ट पूरी शंकु की और उसकी शंकु की नहीं बेलन की स्थिति पूरी नंबर एक में दे रखी है, क्योंकि आप व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचा, व्यास 12 सेंटीमीटर और शंकु ऊंचाई कितनी 15 सेंटीमीटर वाला, देखिए शंकु बेलन के लिए स्पष्ट दे रखा मैंने, बेलन को पूरे को एक, यानी कि ये जो सगरी चीज है तुम्हारी किस में बन रही है, बेलन में बन रही है, इसलिए मैंने बेलन बनाया, ठीक है। और दोनों को मैंने ये दोनों तुम्हारा शंकु है इसमें दोनों को जोड़ दिया, जोड़कर सब कुछ ये कर दिया, बस यहाँ से करते चले जाना। और यहाँ पर मैंने एक्स क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन चीजों से ही तो मिलकर तुम्हारा ये जो सिस्टम बन रहा है, ये पूरा एक आईसीक्रीम बना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लगाया, ठीक है। आप एक अलग बार रिविजन करोगे तो यहाँ पर सब कुछ आप आसानी से करते चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 19वां, ठीक है। अब विकास प्रकाशन का हो जाएगा छठा, क्योंकि रहा यानी पांच पॉइंट के पांच और दस दस और तुम्हारा तीन पॉइंट के पांच सेंटीमीटर वाला एक घनाकार बनवाने के लिए एक पॉइंट के सात पांच सेंटीमीटर व्यास और दो मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के बनाए पिघलाने पड़ेंगे, कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न करे थे वैसे हिसाब से करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में करा था, ठीक है, तो उन्हें देखा था कि एक तरफ हम इसकी बीमा लिख रहे थे, जो बीमा दे रखा, ठीक है, डायरेक्टली पांच पॉइंट के पांच और गुणा, यहाँ पर कितना रखा इसके लिए उसने दस, फिर गुणा कितना यहाँ पर रखा उसने गुणा तीन पॉइंट के पांच, ठीक। और यहां से करा है घन वाले बनाने के लिए कितने मोटाई के, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बराबर पाई आर स्क्वायर एच, देखिए कोई मोटाई के व्यास वाले मोटाई के कितने सिक्के कितने सिक्कों को पिघालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिक्कों को पिघालना पड़ेगा, मान लीजिए कितने सिक्कों, तो कितने सिक्के की बात करता हूँ मैं, लिख दूंगा एन सिक्कों को पिघालना पड़ेगा, कितने को एन सिक्कों को या अक्षय सिक्कों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका आयतन ले लिया, तो मैं यहाँ पर मान रख लेता हूँ, देखिए मान क्या, यहाँ पर देखिए तुम्हारा पचपन बटे दस हो जाएगा गुणा, मैंने पॉइंट उड़ा दिया नीचे जीरो बढ़ा लिया, और ये तुम्हारा दस वैसा ही है, और यहाँ पर गुणा पैंतीस बटे कितना दस, ये आएगा तुम्हारा पॉइंट उड़ा दिया, इसकी जीरो बढ़ा लिया मैंने, अब पाई का मैंने बाईस बटे मैंने रख दिया सात, और गुणा यहाँ पर आर स्क्वायर, तो ये आर जो है तुम्हारा ये किसका है देखिएगा। और यहाँ पर देखिए एक चीज और ये बता रहा है हमसे, क्या बता रहा है ये, रहा एक पॉइंट के 75 सेमी व्यास और 2 मिमी वाले मोटाई के कितने चांदी के सिक्के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं, तो यहाँ पर जब मुझे ये एक्स लगा दिया, तो मैंने लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो रखा तुम्हारा ये इसमें यहाँ पर जो आर का मान है, तो इसमें व्यास कितना दे रखा उसने, एक पॉइंट के 75 दे रखा है, तो यहाँ पे व्यास यानी कि आर का जो इसमें डी बराबर कितना रखा उसने एक पॉइंट के 75 दे रखा, ठीक है। इसमें आर का मान जो जाएगा इसके बटे में एक पॉइंट के 75 जो इसके बटे में दो और दिखा देंगे, ठीक है, तो इसे आर का मान हो जाएगा यहाँ पे एक पॉइंट के 75, एक पॉइंट के 75 और यहाँ से बटे नीचे से तुम्हारा दो, ठीक है, और इसकी घात ऊपर से कितनी चल रही है, दो तो दो मैंने लगा दी, इंटू ये तुम्हारा एच है, तो इसमें एच देखिए दो मिमी दे रखा, तो मैंने एच बराबर तो ये समझाई दिया होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे दो बटे कितना जाएगा दस, ठीक।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये चल रहा अपना एफ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से दो बटे, देखिए यहाँ से तुम्हारा दस से तो दस स्पष्ट ही गया यहाँ से। अब यहाँ पर बचा कितना, देखिए 55 गुणा 35 और बटे नीचे से तुम्हारा 10, ये बचा। अब यहाँ पर देखिएगा 22 बटे तुम्हारा 7 और गुणा यहाँ पर देखिए, मैंने पॉइंट उड़ा लूंगा और यहाँ पर मैं 2 जीरो यहाँ से ऐसे बढ़ा लूंगा, बढ़ा दिया मैंने। अब कितनी जगह लिखवा रहा, 2 जगह, यानी कि 175 और बटे यहाँ से 200 और गुणा से 175 और बटे यहाँ से भी 200, ठीक है। और गुणा यहाँ पर 2 बटे 10 बराबर नहीं, गुणा एक्स, ठीक है। अब देखिएगा इस तुम्हारा 10 से तो तुम्हारा ये 10 ही चला जाएगा, ठीक है, चला गया। अब देखिएगा कुछ इससे, देखिए मैं क्या काटूंगा, देखिए 11 से देखिए मैं इससे 11 से कितनी बार कट गए, 5 बार कट जाएगा तुम्हारा, 11 से कितनी बार कट गए, 11 से मैंने काटा कितनी बारी में कट गया, 5 बारी में, ये कितनी बारी में, 2 बारी में, ठीक है, कट गया। अब मैंने 5 से इसे काटा, 5 7 ये 7 बारी में कट गया। अब 5 से इस चीज को काटूंगा तो कितनी बारी में कटेगा, देखिए ऊपर की चीज ऊपर से कटती है, नीचे वाली चीज नीचे वाली से कटती है, ठीक है। जब मैंने 5 से काटा 7 बारी में कट गया, और ये 5 से काटा 5 15 दो बच गया से होगा 5 5 25, ठीक है, 35 बार कट गया। अब देखिएगा 35 बार कट, देखिए मैंने 5 से काटा तो 5 7 35 और 5 15 और 5 यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 2 5 5 25। अब देखिए मैं 5 से इस चीज को काटूंगा, ये 7 से काट दिया, 7 5 कट गया, अब ये 5 से तुम्हारा 5 गया, ठीक है। तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ से देखिएगा जब इधर कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से जब हमने ये यहाँ से कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ से एक स्थिति में ऐसी कंडीशन में एक बच जाता है और बराबर, और यहाँ से तुम्हारा देखिए कितना बचा तुम्हारा 175, यानी कि तुम्हारा 2 तो यहाँ से बच रहा और गुणा यहाँ कितना 175 और बटे नीचे से तुम्हारा देखिए तुम्हारा 7 बच रहा है, तो कितना बच रहा है तुम्हारा 7 और गुणा यहाँ पर 2 2 4 यानी कि 400 हो जाएगा तुम्हारा, 2 2 4 हो गया। और यहाँ पर 2 0 ये 2 और 2 ये तुम्हारे 4 0 हो जाएंगे, ठीक है, और गुणा यहाँ पर तुम्हारा कितना एक्स। अब देखिए एक बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूंगा, यानी कि 7 चौक तुम्हारा हो जाएगा 28, 7 चौक हो जाएगा तुम्हारा 28 और ये 4 0 और हो जाएंगे अपनी ये, ठीक। और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये जब इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 गुणा, ठीक है, 2। यहाँ इस चीज को भी मैं काट देता, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं काटा तो कट जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 गुणा कितना 175 और बराबर तुम्हारा कितना एक्स, ठीक है। अब मैं इससे काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 14 बार, यानी कि इतनी बार कट जाएगा, ठीक है। 3 0 मैंने इसकी लास्ट, 3 0 4 0 मैंने इसकी लास्ट में लगा दिया, कितनी बार में 4 0 मैंने इसके बाद में लगा दिया, ठीक। अब मैं इसे 5 से काटूंगा, 5 3 15 और 5 2 5 25, मैंने 5 से इसे काटा, 5 2 10 और यहाँ पर कितना 5 8 40 और यहाँ पर कितना, ये 3 0 बचे तो 1 2 3 0 बच जाएंगे तुम्हारी, ठीक है। 5 से फिर मैं काटूंगा, 5 7 35, 5 से मैं काटूंगा, 5 से जब मैंने काटा तो जब मैं 5 से काटा तो 5 5 25 यहाँ पर कितना बचा बताइएगा, यहाँ पर बचा 5 6 30 और ये 2 0 अपनी बचेगा बस, ठीक। मैंने 7 से फिर काटूंगा, 7 8 56, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 7 8 56 यानी 800 बार कट जाएगा, ठीक है। इतनी बार तो x का जो मान आ चुका है, यानी कि 800 आ चुका अपना x का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना आ गया अपना x का मान, अपने ये कुछ आ चुका है। तो देखिए मैंने जब आंसर देखा तो थोड़ा 400 आ रहा, देखिए कहाँ पर गलती है, देखिए ये यहाँ पर ये 2 और छुपा पड़ा, ये वाला जो 2 तुम्हारा यहाँ पर ये 2 छुपा और पड़ा, ठीक है ऊपर। तो यहाँ पर कितना बच रहा है ऊपर से 2 और बच रहा है, 2 तुम्हारा, तो 2 यहाँ पर और चलता रहेगा, ये तुम्हारा कितना यहाँ से ऊपर से कितना चल रहा है यहाँ पर 2 बच रहा है, ठीक है। और जब मैंने इसकी ऐसे गुणा करूंगा तो ये तो 2 नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा तुम्हारा नीचे, यानी कि यहाँ पर जाएगा। अब जब नीचे है तो तुम्हारा देखिएगा, जब ये नीचे है तो तुम्हारा 2 से मैं इसे और काटूंगा तो तुम्हारा ये इनटू, यानी कि कहाँ पर तुम्हारा, यानी कि इसके नीचे था तुम्हारा, जब मैं इस चीज को और काटूंगा तो तुम्हारा 800 जो होता है, 800 को 2 से काटूंगा तो एक बार में बढ़ जाएगा, लेकिन बार में 4 बार में, यानी 400 बार में, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा 20वां, और विकास प्रकाशन का जाएगा 7वां। 32 सेंटीमीटर ऊंचे एक आधार की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार, ठीक है,
तो देखिये सब कुछ स्पष्ट दे रखा है बेलन है। देखिए बेलनाकार है, कोई बेलन की बेलनाकार जो तुम्हारा आइटम है तो बेलन की मान सकते हैं। यहाँ पे बेलन के बारे में बता रहा है, एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, कोई बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। ठीक है, कोई बाल्टी है बेलन के आकार की बाल्टी है, उस बेलनाकार बाल्टी को रेत से भरी हुई बाल्टी है उसको किसी भूमि पर पलट दिया हमने, पलटने के बाद में फिर ये करा और इस रेत की एक शंकुवाकार ढेरी बनाई जाती है। तो इस शंकुवाकार ढेरी की ऊंचाई, इस शंकुवाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या और इसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी। तो बेलनाकार बाल्टी की बात कर रहा है, तो इसमें बेलनाकार देखिए मैं इसमें करता हूँ किस किस का, देखिए आयतनों को बराबर रख लेता हूँ, ये कह रहा था बेलन के लिए। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा शंकु की बात कर रहा है, शंकु आकार की, तो शंकु की बात की। ठीक है, मैं लिखूंगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। यहाँ पर देखिएगा शंकु का आयतन, तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है तुम्हारा, एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, एक बटे तीन शंकु पाई आर ये होता है, अब यहाँ से तुम्हारा बेलन का आयतन, तो शंकु का आयतन ये होता है तुम्हारा एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच ये होता, अरे यहाँ पे बेलन का, बेलन का जो आयतन होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखिए शंकु वाली कंडीशन में क्या कहते रखा, देखिए तो शंकु है तो शंकु की हमसे क्या कहते रखा उसने, शंकु की केवल ऊंचाई ऊंचाई दे रखी, क्या दे रखी, केवल ऊंचाई दे रखा। देखिए नीचे पीछे ये जो कर शंकु शंकुवाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, तो देखिए एक बटे तीन ऐसी है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं पाई, तो अपना पाई से तो तुम्हारा यही पाई ही कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर हमें नहीं पता, तो इसमें आर का ही मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे तो इसमें बड़ी वाली मान लूंगा, इसमें आर बड़ा स्क्वायर मान लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एच, एच कितना रखा है ना, 32 ने 24 दे रखा नीचे आकर के। ठीक है, 24 और बराबर यहाँ पे बेलन, बेलन की त्रिज्या जो रखी है इसने आधार की त्रिज्या देखिए 18, तो यहाँ पे गुणा 18 में कर लूंगा, और यहाँ पर एच जो रखा तुम्हारा 32 दे रखा ना, 32 ये सब कुछ दे रखा। ठीक है, तो इतना हुआ। अब यहाँ से देखिएगा फिर मैं क्या करूंगा, देखिए तो यहाँ से मैंने काटा, तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे तुम्हारा 18 गुणा 32 फिर देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा अब ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं कि 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर है तो ये इसके नीचे जाएगा, नहीं कि यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 24, यहाँ भी हम काट सकते थे। तो देखिए यही काटने में फायदा होता है, क्योंकि जब हम उधर उधर तहस नहस करते हैं, मान लीजिए कोई हम बनारस गए, बनारस हम किसी अफवाह की वजह से बनारस गए, बनारस जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया तो दुर्घटना होगी ना, तो ऐसे ही मान लीजिए, तो जब हम इधर यहाँ से उधर उधर को बैठाएंगे तो थोड़ा गलत सवाल हो जाता है। यदि यहाँ से तुम्हारी बात बनती है यहीं पे काट देते हैं। ठीक है, फिर मैं देखिए 6 से काट दे दो, 6 से 6 चौका, ठीक है, 6 से 6 किया। ठीक है, अब ये कटा, अब देखिए 4 से 4 8 से ये कट गया, अब यहाँ पर देखा तुम्हारा 8 से 24 और 24 क्या होते तुम्हारे 72। ठीक है, 8 से 24 और 24 दिन 48 क्या होते हैं तुम्हारे, सॉरी 3 से 9 और 9 से 8 होते हैं तुम्हारे 72। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर तुम्हारा 18, ठीक है, 18 दूनी कितने, 18 दूनी होते हैं तुम्हारे, देखिए ऐसा कर लीजिए, ठीक है, 9 गुणा 9 = 72 और यहाँ कितना 2 गुणा 9 कर लिया यहाँ से, इतना हुआ। अब यहाँ से देखिएगा मैं क्या करूँगा, जब इतना हो गया अपना, तो यहाँ पे देखिए 9 गुणा 9, तो मैंने एक नौ तो हो गया तुम्हारा, और 8 को मैंने तोड़ लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो देखिए 8 को मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8 ये तोड़ लिया। अब देखिएगा ये तुम्हारा आर स्क्वायर उधर, ठीक है, इधर स्क्वायर में चल रहा है तुम्हारा, इधर स्क्वायर में चल रहा है, उधर जाके करने में हो जाएगा इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर एक यहाँ से बाहर आएगा, एक यहाँ से यानी कि एक यहाँ से आएगा तो 2, और एक यहाँ से 2 दूनी 4, और यहाँ से 4 9 36, ये देखना हो जाएगा, 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ठीक है ना, यह 36 आंसर हो गया। अब देखिए इसकी त्रिज्या ऊंचाई की बात और कर रहा था, तो हमने त्रिज्या ऊंचाई हमने पढ़ रखी है, एल बराबर का रूट के हमारा एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं मान रख देता हूँ दोनों का, कहीं देखिए 36 स्क्वायर प्लस के यहाँ पर कितना 24 की घात 2 यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का वर्ग करूंगा, देखिए जब मैंने दोनों का वर्ग कर देंगे, देखिए ऐसा कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना किस तरीके से कुछ कर लेंगे, देखिए यहाँ से देखिए किस तरीके से कर लेंगे, 12 गुणा 3 यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 12 से 36 अरे पर से घात लीजिए 2 ऐसे यहाँ से ये हुआ, ऐसे तुम्हारा 12 गुणा 2 12 दूनी 24 यहाँ से कर सकते घात 2। ठीक है, या देखिए डायरेक्टली बिना को आप वर्ग कर लेना, वर्ग करके जोड़ देना, ठीक है, बस वही इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने ऐसा करा, अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बताइएगा,
यहाँ से क्या कर सकता हूँ बताइए, देखिए 12 है यहाँ भी है, 12 है यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या मैं ले लूंगा रूट के 12 की पावर 2 ऐसा कर सकता हूँ, और गुणा 3 की पावर ऐसा कर सकता हूँ, प्लस ऐसा ही 12 की पावर यहाँ पर 2 कर सकता हूँ, गुणा 2 की पावर 2 कर सकता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा बताइएगा, यहाँ से देखिए 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी, तो यहाँ से मैं 12 बाहर ले लूंगा, यहाँ पर रूट कितना जाएगा तुम्हारा 12 की पावर 2 ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 इस प्रकार से। अब ये देखिए दो में से हमें पता करने में एक बाहर आ जाएगा, रूट के 3 के 9 और प्लस के 2 के 4 ठीक है, यहाँ पर 12 अंडर रूट के इतना 13 हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा अपने एल यानी कि 3/40 की ठीक है। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, और जब देखिए आप इन दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे 36 का वर्ग करके जोड़ोगे और फिर 24 का वर्ग करके जोड़ोगे, दोनों को जोड़ देना तो यहाँ से जो फैक्टर मिलेगा तो जो करोगे तो इसमें से जो बाहर आएगा तुम्हारा ये तो 2 गुणा आ जाएगा, एक 3 गुणा आ जाएगा ठीक है, तो 2 गुणा और यहाँ पर 2 गुणा ठीक है, तो ये बाहर आ जाएंगे दोनों को गुणा, ये इससे करने से बाहर निकले आएगा और ये बाकी तुम्हारे फैक्टर बच जाएंगे इसके अंदर उनके अंदर ठीक है, इस तरह कुछ कर लेना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर विकास प्रकाशन का अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां, और चित्रा प्रकाशन का अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा चित्रा प्रकाशन का भैया, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा चित्रा प्रकाशन का 21वां, कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, 21 देखिए किस तरीके से कुछ करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए किस तरीके से करते हैं, ये करा 6 सेमी चौड़ाई और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, यदि 10 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 गहरे मीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए मैं इसे शॉर्टली ही बताऊंगा आपको ठीक है, शॉर्टली देखिए किस तरीके से कुछ करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 6 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर गहरी, देखिए दोबारा पढ़ लिया मैंने, 1.5 मीटर गहरी नहर की पानी का 10 मीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, यदि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है ठीक है, मैं लिख दूं नहर की चौड़ाई ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये 21वां ठीक है, नहर की चौड़ाई कितनी दे रखी उसने, 6 मीटर दे रखे, 6 मीटर ठीक है, फिर कर रखा है ना गहरी, तो गहराई के लिए हम मैं लिख दूं तथा नहर की गहराई बराबर पर गहराई कितनी रखी इसने 1.5 मीटर ठीक है, 1.5 मीटर ठीक, फिर कर रखा इसने क्या रखा देखिए, एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है ठीक है, तो मैं एक घंटे में कितना बह जाएगा देखिए, मैं लिख दूं एक घंटे में तो यहाँ पर हो जाएगा, मैंने लिखा एक घंटे में बहा पानी कितना 10 किलोमीटर ठीक है, एक घंटे में जो पानी बहा वो 10 किलोमीटर आगे गया ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर बहा, तो आधे घंटे में कितना बह जाएगा बताइएगा, एक घंटे में 5 किलोमीटर बहा 10 किलोमीटर बहा है, तो जब एक घंटे में पानी के जो बहाव 10 किलोमीटर है, तो मैं लिखूंगा आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट या आधे घंटे में, मैं लिखूंगा 30 मिनट में बहा पानी, तो जाएगा तुम्हारा बराबर 10/2, ये तुम्हारा चल रहा किमी में ठीक है, तो ये 5 किमी, किमी को देखिए किमी को मैं मीटर में बदलूंगा, क्यों बदलूंगा मीटर में, क्योंकि अपना सिस्टम ऊपर मीटर में दे रखा है ठीक है, तो मैं किमी को मीटर में बदलूंगा, तो यहाँ पर बताइए कि क्या हो जाएगा तुम्हारे इसमें, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा देखिए, जैसे ही मैं मीटर में बदलूंगा तो इसमें मैं 0.0 इतना मीटर कर दूंगा ठीक है, मैंने क्यों करा 1000 से मैंने इसमें गुणा कर दिया ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ठीक है, तो मैंने इसलिए मैंने इसमें गुणा कर दिया ठीक है, तो ये इतना हुआ तुम्हारा। अब यहाँ से फिर देखिए यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसका आयतन निकाल लेता हूँ, पानी का आयतन, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 मिनट में बहे हुए पानी का आयतन ठीक है, यू मैंने 30 मिनट में बहे पानी की किलोमीटर में आ गई है, और यहाँ पर मैंने लिखा 30 मिनट में यानी कि 1/2 मिनट में यानी कि 30 मिनट लिख दीजिए आप, क्या 30 मिनट में बहे हुए पानी का आयतन, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 मिनट में बहे हुए पानी का आयतन कितना हो जाएगा तुम्हारा, लंबाई कितनी रखी इसने, देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पर तुम्हारा चौड़ाई गुणा गहराई और यहाँ पर तुम्हारा 30 मिनट में जो बहा पानी की संख्या ठीक है, 30 मिनट में पानी की बही संख्या ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा, तो मैंने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी अपनी, चौड़ाई कितनी तुम्हारी 6, और गुणा यहाँ पर तुम्हारी गहराई कितनी है 1.5, और यहाँ पर तुम्हारा समय कितना दे रखा है 30 मिनट का समय, मैंने लिखा यहाँ पर समय, तो यहाँ पर समय कितना दे रखा है उसने 500 मीटर ठीक है, ये
यहाँ पर देखिए पॉइंट उड़ा लूंगा मैं, यहाँ पर जीरो दस हो जाएगा तुम्हारा, इससे जीरो से तुम्हारा ये जीरो चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा 6 × 15 × 500, ठीक है, ये हो जाएगा इसकी आयतन, ये हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे हम इसमें, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए घन का आयतन मैं लिखूंगा, घन का आयतन जो तुम्हारा दे रखा है, आयतन कितना रखा हमने 8 सेंटीमीटर सेमी में दे रखा, जब मैं इसे मीटर में बदलूंगा तो तुम्हारा ये जाएगा मीटर में, ठीक है। और जैसे मैं लिख दूंगा बराबर तुम्हारा, यानी कि 6 × 15 × 500 ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए मैं इस चीज को क्या करूंगा, देखिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो घन का जो आयतन हो जाएगा गुणा यहाँ पे ए और होता है तुम्हारा ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं इसमें गुणा कर लेता हूँ पहले इसकी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 × 15 × 75 दो जीरो वैसे ही अपना। अब यहाँ से तुम्हारा चल रहा है ये 1 × 8 और बटे तुम्हारा 100, तो यहाँ पर तुम्हारा 8 है, ये चल रहा तुम्हारा 6 × 5 = 30 की 0 और तुम्हारा 42 × 3 = 45 और तुम्हारा 2 जीरो और यहाँ पर लग जाएंगे ये, ठीक। अब यहाँ से ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 45 × 0 × 100 और बटे नीचे था तुम्हारा 8। जब इस चीज को आप हल करोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा, देखिए तो मैं यहाँ से 5 से काट देता हूँ 8 × 5 = 40 और यहाँ से तुम्हारा कितना बचा है, यहाँ से बच जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 8 × 8 = 40 तो यहाँ से आपका बच जाएगा ये 5 यानी 50, ये 50 हो जाएगा, फिर 8 × 5 = 40 फिर देखिए किस तरीके से काटते हैं इसे, तो फिर मैं इसे काटूंगा तो ये हो जाएगा फिर 6 बारी में, ठीक है। तो ये कट जाएगा तुम्हारा 56 और ये तुम्हारे 2 जीरो बच्चे हैं, ठीक है ना, ये चल रहा है मीटर में चल रहा है, ठीक है। जब मैं इसे हेक्टेयर में चेंज करूंगा, ए बराबर हमारा यानी कि जब हेक्टेयर में इसे चेंज करूंगा तो देखिए चाहो तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। जब मैं इसे हेक्टेयर में चेंज कर दीजिए आप, तो हेक्टेयर में चेंज करोगे तो यहाँ पर 56 × 2500, ठीक है सर। तो इसमें मैं 2 ये कितना इकाई ढाई सकड़ा 1000 10000 ये तुम्हारा हेक्टेयर में जाएगा, कितने हेक्टेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस चीज से देखिए 1 2 इस चीज से दो तुम्हारा गया, अब देखिए 2 जीरो बचे तो 2 पॉइंट इधर से लेंगे तो यहाँ जाएगा तुम्हारा 56.25 ये जाएगा तुम्हारा हेक्टेयर में, ठीक है। तो ए बराबर ही आ चुका है हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 हो जाएगा तुम्हारा विकास प्रकाशन का और चित्रा प्रकाशन का अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा ये, तो क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा देखिए 9 विकास ये करा, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली एक और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर और एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद में पूरी टंकी भर जाएगी, ठीक है। तो इसे शॉर्टली मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इसने दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या दे रखा है इसने, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसने सबसे पहले ब्यास दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, ब्यास दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर ब्यास वाली एक और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर है तो एक पाइप के द्वारा नहर से जोड़ा जाता है, ठीक है। एक किसान है, उसके खेत में कोई टंकी रखी है, बड़ी सी टंकी रखी है, ठीक है। तो उस टंकी को एक पाइप के द्वारा नहर से जोड़ा जाता है, ठीक है। मान लीजिए तुम्हारी ये नहर ये बह रही है, ठीक है, और यह तुम्हारी टंकी तुम्हारी यहाँ पर रखी है, ठीक है। इसका व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारी ये नहर ये बह रही है तो इस वाली टंकी को ये वाली जो, ठीक है, इस पैप के द्वारा, ये तुम्हारा पैप हो जाएगा, ठीक है, इस पैप के द्वारा यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें पानी भरने के लिए, तो यहाँ से फिर इसके बाद में फिर ये क्या कह रहा, देखिए, तो फिर किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली एक और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार आंतरिक व्यास, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो ब्यास दे रखा है इसने पाइप का, इसने ब्यास दे रखा है, ये ब्यास जो दे रखा है इसने पाइप का, ठीक है, जो नली जो ब्यास उसका पाइप दे रखा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा पाइप का ब्यास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डी बराबर मैंने लिखा डी बराबर 2R से, तो यहाँ से 20, ये मैंने डी के स्थान पर 20 रख दिया, यहाँ से देखिए हमने पढ़ रखा डी बराबर 2R, तो डी के स्थान पर मैंने यहाँ से 20 रख दिया, इससे 2 से 2, ये ठीक आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है इसने रखा है यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं पानी की चाल लिखूंगा यहाँ सर, पानी 1 घंटे में पानी की चाल, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 घंटे में पानी की लंबाई बराबर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर क्या लिखेंगे, तो इसमें 30 मिनट में दे रखी है, कितने में,
तो यहाँ पे क्या रखा है उसने, तो यहाँ पे फिर क्या कर रखा है, एक घंटे में कितनी, एक घंटे में पानी की लंबाई हो जाएगी। फिर इसके बाद में हमसे क्या कह रहा है, ये पानी की चाल कितने किलोमीटर बाद टंकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हमें इसकी गहराई और दे रखी है, इसमें कितनी गहराई और दे रखी है इसने, गहराई हम क्या करेंगे इसमें देखिए, तो यहाँ से किलोमीटर दे रखा है इसने, किलोमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा यहाँ से, मैं बस तीन, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, देखिए किलोमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया, ठीक है मीटर में बदल लिया। अब देखिएगा जब यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है ये, तो इसे मैं सेंटीमीटर में और बदल लेता हूँ, ठीक है। जाएगा तुम्हारा तीन और बुढ़ा यहाँ पर इतना जाएगा सौ सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा तुम्हारा तीन और ये हो जाएगा पाँच जीरो, तीन दो तीन चार पाँच हो जाएंगे तुम्हारी पाँच जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिएगा मैं लिखूंगा यहाँ पर आयतन, पानी का आयतन, यहाँ कितना पानी का आयतन कितना बताइएगा, यहाँ से पानी का आयतन क्या जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर पाई का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ पर आर का जो मान है अपना थोड़ा दस है तुम्हारा, कितना है दस सेंटीमीटर, तो आर का मान दस आएगा तुम्हारा, और घात दो तो यहाँ पर उतना जाएगा दस, और गुणा यहाँ पर कितना एच का मान तुम्हारा ये हो जाएगा, इसकी जो टंकी की ऊंचाई है ये सब कुछ यही हो जाएगा एच का मान, लंबाई या ऊंचाई एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तीन और यहाँ पर चार पाँच जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा तीन, यही नहीं करना, चलो ये यहीं भी छोड़ देते हैं इतना, फिर और देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए ये इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए उसने रखा शुरू में ही, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 20 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, देखिए व्यास, तो यहाँ पर देखिए पाँच हो जाएगा, यानी कि बेलनाकार टंकी की त्रिज्या देखिए क्या हो जाएगी तुम्हारी, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेलनाकार टंकी की त्रिज्या बराबर कितना पांच हो जाएगी सेंटीमीटर में, जब मैं इसे मीटर में बदलूंगा तो तुम्हारा 500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 500 मीटर जो तुम्हारा मीटर में तो ये है ही, अब मैं सेंटीमीटर में इसे बदल दिया, सेंटीमीटर में मैंने इसे बदल दिया, तो सेंटीमीटर में ये आ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिएगा इसने गहराई यानी कि एच का मान और दे रखा है इसके ना, इसने गहराई और दे रखी है, गहराई 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 कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, तो 2 मीटर इसने गहराई दे रखी है, मीटर को जब मैं 2 मीटर दे रखी है, अब मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा, देखिए यहाँ से देखिए ये दे रखा है मीटर में, ठीक है सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 मीटर, 2 मीटर नहीं सेंटीमीटर, ठीक है 200 सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसका आयतन होने वाला टंकी का आयतन और निकाल लूंगा, देखिए तो देखिए मैंने लिखा टंकी का आयतन, तो देखिए पाई अपनी पास ही है और आर का जो मान हो जाएगा यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी यानी कि 500, कितना 500 गुणा है कितना 500, क्यों क्योंकि घात 2 हो जाएगा, एच का जो मान हो जाएगा तुम्हारा 200, एच का मान कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर देखिए टोटल क्या लिखा जाएगा, तो देखिएगा मैंने लिखा टंकी को भरने में लगा समय, ठीक है। तो जो टंकी को भरने में लगा समय जो तुम्हारा ये था तुम्हारा पानी का आयतन, यहाँ पर पानी का आयतन पानी का आयतन तो नीचे आएगा तुम्हारा, तो कह रहा हूँ बेलना टंकी का आयतन, तो यहाँ पर टंकी का तुम्हारा आयतन हो जाएगा, टंकी का आयतन पाई और गुणा यहाँ पर कितना 500 और गुणा यहाँ पर कितना 500 और गुणा कितना 200, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया अपना। अब यहाँ से फिर मैंने ये करा और बटे तुम्हारा नीचे जो तुम्हारा ये जो समय दे रखा है, यानी कि कौन सा दे रखा है ये, यानी कि तीन, यानी कि ये तुम्हारा तीन और यहाँ पर इसके पीछे 5 0 चार होगी, ये 5 0, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक दो ये कट गई और एक दो इससे 2 0 कट जाएंगी और तुम्हारे एक बचा इससे 0 कट गई तुम्हारे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करूँगा, 5 5 25 और तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा पाई और था शायद, उसमें पाई और था, यहाँ पर क्या था तुम्हारा पाई और था यहाँ पर पाई, ठीक है। तो यहाँ पर पाई से तुम्हारा पाई चला जाएगा और यहाँ पर देखिए 5 5 25 हो जाएगा तुम्हारा और 0 तुम्हारी ये वाली ऐसे ही है और गुणा तुम्हारा यहाँ पर कितना 2 बटे नीचे से 3, यहाँ पर देखिए 25 2 50 यानी कि 500 हो जाएगा तुम्हारा 500 और यहाँ पर तुम्हारा बटे 3, ठीक। और देखिए इसमें भाग दे देता हूँ, तो यहाँ पर कितना 0 था, ये 7 0 था, जब सेंटीमीटर मैंने बदला इसमें यहाँ पर 7 0 था, तो यहाँ पर 2 0 ओवर हो जाएंगे, इतना 2 0 इसमें और लग जाएंगे, तो इस 0 से तुम्हारा ये चला जाएगा, ठीक है। इससे ये क्या तो ऊपर बच जाएगा तुम्हारा, देखिए ऊपर कितना बचा तुम्हारा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 50, नीचे जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 3, ये आ जाएगा तुम्हारा ऊपर 50 नीचे 3। अब यहाँ पर देखिएगा ये तुम्हारा घंटे में चल रहा है, कितने में घंटे में चल रहा है, घंटे में, ठीक है। अब घंटे में जब मैं इसमें मिनट में बदलूंगा देखिए किस तरह से बदलते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा क्या आया था पहले इसमें, देखिए इसमें हमारा ये मैंने जो चेंज करा था इसमें
एक घंटे में जो यहाँ पर 300 किलोमीटर आया था, कितना एक घंटे में जो आया था अपना, तो यहाँ पर कितना आया था, 3 किलोमीटर आया था, कितना 3 किमी आया था, ठीक है। जब मैं इसे मीटर में बदला तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 30 हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा मीटर में, ठीक। अब मैं इसे सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 3 और 2 इसमें 100, ये तुम्हारा सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा 3 और 2 5 0 होगी और जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या करा, जब यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर में करा, जब मैंने पानी का जो आयतन निकाला था तो पानी का आयतन निकालना पाई आर स्क्वायर एच आया था, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो यहाँ पर 10 था तुम्हारा, यानी कि त्रिज्या कितनी थी 10, तो यहाँ पर 10 × 10, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 2 यहाँ पर 10 × 10, और ये तुम्हारा यानी कि 7 0 हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने 7 0 लगाई इस जगह, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। और ऊपर कितनी है, 2 2 4 2, देखिए 2 और 2 4 2 6, तो देखिएगा नीचे 1 0 बचेगी, सीधी सी बात 1 0 बचेगी। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बचेगा तुम्हारा, देखिए 5 5 तो तुम्हारा 25, और 25 दिन तुम्हारा देखिए 5 5 25, तो तुम्हारा 5 5 25 तुम्हारा ये आ गया। और तुम्हारा 25 दुनी देखिए डायरेक्ट देखिए 5 5 25, 25 दुनी 50, तो ऊपर से तुम्हारा तुम्हारा बच जाएगा 50, ठीक है। और नीचे से तुम्हारा बच जाएगा कितना, देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि तुम्हारा ये बच जाएगा तुम्हारा 30। तो इससे तुम्हारा ये चला जाएगा कितना बच जाएगा, 5/3 घंटे, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या करा, आधे घंटे की बात कर रहा हूँ, आधे घंटे की नहीं किसकी, 1 घंटे की बात करा, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं इसमें 60 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 50 और गुणा कितना 3 और गुणा यहाँ पर कितना 60, ठीक है। जब मैं इससे गुणा करूंगा तो इसमें कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार, ठीक है। जब मैं इससे गुणा कर आपस में करूंगा तो 20 5 हो जाएगा तुम्हारा 100, क्या 20 5 हो जाएगा आपका कितना, ये तुम्हारा 5, 20 5 हो जाएगा तुम्हारा 100, ये हो जाएगा तुम्हारा मिनट, कितना मिनट, तो ये यहाँ पर मिनट हो गया तुम्हारा, ठीक है। 20 मिनट में भर जाएगी टंकी, तो 100 मिनट में भर जाएगी आपकी टंकी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज अवश्य करके जाना, क्योंकि मुझे सुबह से लेकर शाम गुजर गई कृष्णा बलि को निकालते हुए, ठीक है। देखिए